दोस्तों द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ स्वर्णजीत कौर जी हैं जो 27-28 सालों से डेरा सच्चा सौदा में आ रही हैं। इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है डेरा सच्चा सौदा विद डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह जिंसा के लिए। स्वर्णजीत कौर जी द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। 27-28 सालों से आ रहे हो आप डेरा सच्चा सौदा में, कैसा महसूस करते हो? बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। हमें तो कुछ ऐसा कभी गलत लगा ही नहीं कि यहाँ पे कुछ गलत होता है, क्योंकि हम देख रहे हैं, हम बचपन से यहाँ पे आ रहे हैं, तो हमें नहीं लगता कि यहाँ पे कभी कुछ गलत हुआ है या होगा या कभी कुछ भी ऐसा। आपने इतने सालों में कभी भी अलग से महसूस किया हो एक लड़की होने के नाते, कभी भी आपको अलग तरीके का माहौल लगा हो आश्रम में? नहीं, हमें नहीं लगा। हम तो सेवा पे भी आते रहे हैं यहाँ पे, एक महीना कभी दो महीने रह के ये। रात को भी रुकते थे? हाँ, रात को भी रुकते थे। कभी भी आपको अलग तरीके का? हमें कभी ऐसा कुछ नहीं लगा। फिर उन खबरों के बारे में क्या कहना चाहोगे स्वर्णजीत जी, जो मीडिया में दिखाई जा रही थी? देखो, ये जहाँ पे अच्छाई होती है वहाँ पे बुराई भी होती है, तो बस कुछ लोग ऐसे थे जो बुराई से जुड़े हुए थे, जो कहते थे कि डेरे को बदनाम करें, ये सब बदनाम करने की उनकी शादी से और कुछ नहीं है। जो आरोप गुरु जी के ऊपर लगाए जा रहे हैं ये सब झूठे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो वेश्या को अपनी बेटी बना सकते हैं तो वो फिर और बेटियों के लिए कुछ नहीं करेंगे, सब कुछ करेंगे, सब कुछ किया उन्होंने। यहाँ पे ऐसा कुछ भी गलत नहीं होता, जिनको लगता है वो आए आकर रहे, उनको पता चल जाए। आपने कैसा महसूस किया, मतलब जैसे आप आते थे, मतलब आप लोगों के साथ उनका व्यवहार कैसा है, ट्रीट कैसे करते हैं वो? जैसे बाप अपनी बेटी के साथ करता है वैसे ही करते थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। हमें अपने घर वालों से ज़्यादा तो इन पर विश्वास है, जैसे अपने माँ बाप से भी ज़्यादा। इन्होंने हमें अपने जो सब कुछ सिखाया समाज में, कैसे रहना है, क्या करना है, वो हमें अपने माँ बाप से नहीं सीखा जितना हमने गुरु जी से सीखा। गुरु जी ने समाज के लिए क्या योगदान दिया है? उन्होंने तो समाज के लिए ही सब कुछ किया है, जैसे वेश्यावृत्ति रोकी, भ्रूण हत्या, और लड़कियों को खास तौर पे आगे आने की वो दी भी। आप बहुत कुछ कर सकती हो। क्या आज गुरुजी की ज़रूरत है समाज को? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गुरुजी की है समाज को। प्रभाव क्या पड़ रहा है, 3-4 साल होने वाले हैं वो समाज में नहीं है, बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है लड़कियों के साथ, जो यहाँ पे लगता था भी नहीं यहाँ पे सेफ है, बाहर इतना लड़कियाँ सेफ नहीं है यहाँ पे, हॉस्टल में, स्कूल में, डेरे में, जो भी है लड़के यहाँ पे सेफ हैं, कुछ ऐसा नहीं है भी कुछ गलत हो रहा है उनके साथ यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। क्या अपील करना चाहोगे आप सरकार से संत जी के लिए? हम तो यही अपील करना चाहेंगे कि गुरु जी को जल्दी से जल्दी छोड़ दें, ताकि समाज से, समाज में जो अब बुराइयाँ बढ़ रही हैं ये सब दूर हो और समाज की भलाई हो, जो बुराई रोक रहे हैं, रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब सही हो जी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये है असली सच डेरा सच्चा सौदा विद डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह जिंसा का, जो लगातार हम आपको सीधी बातचीत पब्लिक की दिखा रहे हैं। किस तरीके से पब्लिक बता रही है कि ऐसा माहौल नहीं है जैसा मीडिया में दिखाया गया था, फिर आखिर क्यों एक संत को और डेरा सच्चा सौदा में आने वाली करोड़ों लड़कियों की इज्जत को तार तार किया गया, ये लगातार पब्लिक सवाल उठा रही है और आपके सामने अपनी बात, अपना एक्सपीरियंस रख रही है। आप लोग भी अपनी राय डालते रहिए, देखते रहिए द फैक्ट आई, और सच का साथ दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत